हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई पेंटिंग के साथ। यहाँ पर मैं इस बाले जगन्नाथ जी की पेंटिंग को करने वाली हूँ, जो एक बेसिक सा और सिंपल सा पेंटिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने यहाँ पर वाटर कलर से कोटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। एज ए बेस लेयर मैं यहाँ पर वेरिडियन कलर को यूज कर रही हूँ। यहाँ पर पूरा ही पेंटिंग वेरिडियन कलर के ऊपर है, तो जहाँ पर भी जो जो कलर है वहाँ पर मैं सेम कलर को अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पर जगन्नाथ जी का जो मोतियों का माला है और बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत जो फ्लावर है, उसके लिए मैंने यहाँ पर येलो का कलर को यूज़ किया है। और यहाँ पर फेस के लिए मैंने सिर्फ ब्लैक और रेड को ही यूज़ किया है, और कोई भी कलर मैंने यूज़ नहीं किया है। तो एज यूजुअल मैंने यहाँ पर वाटर कलर को पूरी तरह से अप्लाई कर दिया है। आप बारी आती है पेस्टल कलर की, तो मैंने यहाँ पर पोलो का पेस्टल कलर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जहाँ पर भी ब्लैक शेड है वहाँ पर मैं ब्लैक शेडिंग कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पगड़ी की जो आउटलाइन एरिया है और बैकग्राउंड एरिया है वहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर ब्लैक कलर को यूज़ कर रही हूँ। मैं कैसे इसको यूज़ कर रही हूँ आप लोग देख ही सकते हैं। मैंने पूरी तरह से यूज़ नहीं किया है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी ही यूज़ करके यहाँ पर रेड कलर को छोड़ दिया है। अब बारी आती है पगड़ी की जो भाँज है बा फोल्ड है, उसके लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर को यूज़ करके जो फोल्डिंग है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पर पगड़ी का जो फोल्ड है वो मैं क्रिएट करने के बाद जो सेम रेड कलर है डार्क रेड कलर से बैकग्राउंड को भी मैं यहाँ पर कलर कर लेती हूँ। और उसके बाद एक ब्लैक पेंसिल से अच्छे से थोड़ी थोड़ी जो डिटेलिंग है यानी कि पगड़ी के ऊपर और जो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत कलर को मर्ज करना पड़ता है या फिर ब्लेंड करना पड़ता है, मैं थोड़ी बहुत उसको कर लेती हूँ। और बैकग्राउंड में जो टेक्सचर है वो मैं रहने देती हूँ, वो बहुत ही दिखने में अच्छे लग रही थी, तो मैंने बैकग्राउंड की जो टेक्सचर है उसको मैंने ब्लेंड नहीं किया है यहाँ पर। अब देखो नीचे का साइड का जो बैकग्राउंड है वहाँ पर जो येलो कलर है उस कलर को छोड़कर जहाँ पर भी रेड कलर है पूरी तरह से मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। और जैसे मैंने ऊपर की साइड को ब्लैक कलर को यूज़ किया था, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करके नीचे की तरफ मैं ब्लैक कलर को यूज़ कर लेती हूँ। पगड़ी का जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग है वो मैं कंप्लीट कर देने के बाद यहाँ पर अब आती है फेस की तरफ। तो फेस में मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का जो पेंसिल है वो पेंसिल का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि फेस की एरिया थोड़ी सी छोटी और डिटेलिंग भरी थी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पेस्टल यूज़ करना, ब्लैक पेस्टल जो यूज़ करना वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर पेंसिल का यूज़ किया है। और जो आँखों का साइड वहाँ पर भी मैं वर्मेलियन कलर को यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ थोड़ी सी ऑरेंज मिक्स किया है।
यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करके येलो कलर को छोड़ के जहाँ पर भी रेड कलर है वो कलर से मैं फिल कर रही हूँ। यहाँ पर सिंपली कलर यूज कर रही हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पर बैकग्राउंड में रेड कलर को यूज करने के बाद मैंने थोड़ी सी ऑरेंज कलर से भी शेडिंग किया है। अब बैकग्राउंड में जो फ्लावर वगैरह और जो थोड़ी सी डेकोरेटिंग डिज़ाइन है वो मैं यहाँ पर जो डायमंड का पेंसिल है उस पेंसिल से यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ और ब्लैक पेंसिल से यहाँ पर डिटेलिंग भी ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे इसको किया है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करके मैं ब्लैक कलर से टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ और जो येलो कलर है वो थोड़ी बहुत उभर कर आ रही है ब्लैक कलर की वजह से। चलो तो मैं यहाँ पर कैमल का फैब्रिक कलर यूज कर रही हूँ जो आईब्रो और तिलक है उसके लिए। वो कलर अच्छे से अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे उभर कर आ रही है फेस। अब जो जगन्नाथ जी का मोतियों का माला और जो नथ था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन फैब्रिक कलर का यूज किया है। गोल्डन कलर को अप्लाई कर देने के बाद यहाँ पर डिटेलिंग के लिए मैं व्हाइट कलर को यूज कर रही हूँ। और इस वाले सिल्वर फैब्रिक से मैं जो छोटी छोटी डॉट कर रही हूँ पगड़ी के ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप लोग इस सिल्वर फैब्रिक को जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है, एक अच्छी सी चमक देती है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि लाइट में जब पड़ती है तो कितनी चमक रही थी। तो चलो बात करते करते मैंने तो यहाँ पर पेंटिंग को कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को पेंटिंग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।